ये इस पे खड़ा हुआ है तो इतना इनका हाइट है, दिखाइए एक बार। आप अपने हाइट से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप थोड़ा नीचे होइए तो एक बार देखिए, इनका हाइट इतना ही है, इतना है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कितना है। नंदन जी आप इतना हाइट है, आपके मम्मी पापा का हाइट कितना है? वो लोग लंबे लंबे हैं। लंबे लंबे हैं, हाँ। आपके भाई लोग? वो भी एक आदमी लंबे हैं, बाकी एक जो है वो मेरे साइज के ही हैं। तो आपका हाइट इतना कम कैसे रह गया? अभी ये तो पता रहता तो पहले ही इलाज करवा ले रहते। अच्छा, इसका कोई इलाज भी होता है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है, है ना। दवा हुआ चला था, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत सारा मैं प्रचार देखता हूँ कि हाइट बढ़ाइए, एक कीजिए, वो कीजिए, दवा खाइए ना। तो उम्र से पहले कीजिएगा तो सही रहेगा ना, हर चीज़ का लिमिट होता है। उम्र से पहले कीजिएगा तो सही रहेगा, उम्र के बाद निकलने लगे तो कहाँ कोई फ़ायदा करेगा। अच्छा, आपका हाइट एकदम कम है, तो आपकी हाइट की आपको अगर शादी करना होगा तो कैसे होगा? शादी हो जाएगा, शादी खाती तो अब ये से लोग चढ़ल बटे। अब ये चढ़ल वालो तो रहू हाइट के की लंबा 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 लगी से कैसे हुई हो जी कहे ना हुई। अरे आजकल सब चीज़ बा पैसा। अच्छा, पैसा बात और कुछ कर सकता नहीं। तो लड़की रहू खिलाई गोदी में खिलाए उसे कहा जी खिलाए नहीं खिलाई तो खेले लगे तो क्या कर ली। लेकिन यहाँ की हाइट काफ़ी कम बटे। अच्छा रहू मतलब अभी क्या करनी? अभी हम वीडियो के प्रोजेक्ट होते, अगला वेब सीरीज आवे वाला बाटे बहुत जल्द, जे कि विजेंद्र भैया सब चीज़ हो गल बा, प्लानिंग व्लानिंग हो गल बा, बस शूट बाकी बाटे। ओकर कौना प्लेटफॉर्म पे आई? आकांक्षा म्यूजिक पर आई। अच्छा, आकांक्षा की करो जी? वीआईपी विजेंद्र सिंह। अच्छा, वीआईपी विजेंद्र सिंह के साथ भी रुआ काम करे तो वहाँ का पैसा से दे नहीं? हाँ, सब चीज़ मिलेगा। एगो जैसे कॉमेडी बनेला हमें कितना मिलेगा? देखिए ये सब हम नहीं खोल ना सकता नहीं सर, ये सब कितना मिलेगा कितना, बस इतना समझिए कि खर्चा मिल जाला। रहुआ लाइफ में अभी तक कौन लड़कियों की सब आइल बैसन के आइल वालों? बहुत आइल वालों, पहले भी एगो खास आदमी आई रहे, अब बाकी तो अब इच्छे ना करेला, आवा जा कौन मतलब ना रहेला। एक सिवा जैसे कॉमेडी के सिवा और रहुआ क्या करें? ओकरा बाद पढ़ाई लिखाई हर चीज़ होला कॉमेडी के सिवा। चलिए ठीक बा, यहाँ के नन्हे नंदन जी नाम बाटे और काफ़ी हाइट कम बाटे लेकिन बोले में ठीक ठाक बानी। अच्छा रुआ गाना वाना गावे नहीं? ना गाना ना करे, कुछ ऐसे कलाकारी एक्टिंग करे नी गाना। कौन कलाकारी करके दिखाई ना? अभी हाल में आ रहा एगो विजेंद्र भैया के साथे कि गांव बाहर करो नेता ही चोटा है रे, अति इलेक्शन ही पर रहा, बहुत अच्छा गीत रहा तो उमे एक्टिंग कैले बानी सब बहुत अच्छा। दू गो गाना आयल बटे है ना, तो उमे एक्टिंग बटे है ना। अच्छा, विजेंद्र जी के बारा नाम लेते नहीं कि पवन सिंह हार गए चुनाव पर क्या कहें? अब कहे के का बा, जौन काम करत रहनी है वो करे के चाहिए, मान ली जाना चीज़ के अनुभव नहीं है तो उतरला से का फायदा बा। काफ़ी भीड़ होता है उनका अथी में जहाँ जा, तो तीन नेता के थोड़े देखे खातिर भीड़ बहुत, तो कलाकार के देखे खातिर लोग भीड़ लगे रहा कि टीवी में है आदमी दिखाई देवे ला सामने के बा, चलो देखल जाओ। हेलीकॉप्टर से भी कहीं कहीं उतर से तो सब हेलीकॉप्टर आ उनका के कलाकार के देखे, विधायक सिधायक के थोड़े देखे आ रहे लोग। मतलब ये चुनाव से ही लागत है कि कोई सोचेला कि हम जहाँ से चाहे मौजूद से जीत जाए, जरा के चाहे ओकरा के जिता दें, तो अपनों क्षेत्र में भी अलन खेसाई लाल यादव उसे कोनो फर्क ना पड़ल उन्हें वो हार गल। हाँ, तो मान ली थी देखी अब जौन रहुआ काम करो तनिक करी वहाँ से एक न्यूज़ वाला सवाल पूछ ले रहनी लोग कोनो चीज़ के नेता ही इलेक्शन के लेकर के, तो पवन जी कहतनी कि भैया हो हमरा से हमरा लाइन के सब चीज़ पूछ ले, लेकिन वो लाइन के हमारा तनिको सुनना बुझाई, तो यही से समझे के चाहिए ना कि जब हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम का जरूरी है उतरना। ये बात सही बटे, अनुभव कम बटे, खैर कोनो बात नहीं है, उनका साथे वैसे वोट भी काफ़ी मिलल बा। हाँ चलिए, खुशी की बात बटे कि वोट मिलल बटे है ना, लेकिन अभी थोड़ा दुख भी बटे कि हार गल बनी है ना। चलिए ठीक बा, अपन तनिक कोनो लव स्टोरी बताई रहुआ, लाइफ में भी बहुत सारा लड़की लो आइल बा गइल बा, तो कैसे आइल बा कैसे गइल बा? बस उनका गाँव में फिल्म शूट करत रहनी है ना। केकरा गाँव में रहे एक आदमी के है ना, तो उनकर भाई रोज आवे लोग है ना, तो अच्छा ना लगे, तो पैकअप के 10 दिन बचे रहे खत्म फिल्म शूट के खत्म के 10 दिन बचे रहे, तो कहने की रोज बच्चा आवत रह सो चलो एक बार देख लिया, वो दिन से कहानी शुरू भल से नहीं ऐसे न बनल ओकर बाद कि समझे हाइट के कि लामा रहे लामा रहिए तो पट गए वो हमारे के पटे हम का फट गए कैसे पता ना, हम तो ये पूछे कि तू हमारे में क्या देखल हुआ। हाँ
चक्कर कितना दिन ले चल रहा है? ई चक्कर तकरीबन हुआ 2.5 साल चलल बाटे। 2.5 साल चल रहा, बात आगे बहल कि ना? ना बस कुछ मजबूरी भइल हुई ऐसे। अभी लड़की की शादी हो गई? ना अभी नहीं के भइल। अभी नहीं के भइल? ना ना, तो अभी तो लोग ऐसे कांटेक्ट कभी कभी होते हो? हाँ कभी कभार होला। हाँ क्या बात, शादी ब्याह करे ख्याल क्या बा? मम्मी पापा के राय से हुई कि अपना से हुई? ना ना, मम्मी पापा के राय से हुई, ये ना करो अपना से। ना क्या है, अपना से कहले में बहुत घाटा बाटे। कब कब उड़हर जाई हार्दिक पांडे के देखती बनी ऐसे। अच्छा। अपना से ना, परिवार गरीब परिवार के लड़के उठावा सुखी से रही, ओकरा के अगर दू रोटी कमो देव तो दुख दर्द सब समझी, आ हाई क्वालिटी के उठैला पर तो बस एक दिन खाना ना भेटल तो चल राह धर। हाँ ये तो बात सही बा, हार्दिक पांडे के रहो बात कहनी है तो हार्दिक पांडे के सोचे के चाहिए कि वो लड़की पहले शादी रहे, शादी भैर का पता प्लानिंग करके आए लोग पैसा से शादी करे। तुम्हें कहनी है ना रहो कि सब चीज़ तो घड़ी यही से ऊँच ना, एकदम नॉर्मल परिवार उठाव, केहू कुछ ना बोली, आराम से सुखी से जीवन बीते। रहुआ ही लगे लगे ना कि राहुल शादी हुई तो राहुल मेरा छोड़ के भाग जाएगा? ना आज के वजह से ना ना, कैसे समय के साथ देखल जाए केकरा भाग में का लिखल बा के जानता। चलिए ठीक है, आप प्रयास कीजिएगा कि आपसे थोड़ा सा ही लंबी हो या आप ही के साथ। ना ना लंबा मिली मेरा। आगे क्या प्लान बनाऊ? आगे के कुछ ना, बस बहुत आगे जाए के बाद पब्लिक के सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, और रोवा लोग के सपोर्ट चाहिए, बाकी अपन मेहनत तो बढ़ ही बाटे। चलिए इनका जो कॉमेडी का एक दो सीन है हम लोग डाल देंगे, कॉमेडी काफ़ी अच्छा करते हैं और बात भी काफ़ी अच्छा करते हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? बीए है। बीए, हाँ। चलिए अंत में क्या बोलिएगा? बस यही बोलेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि देखिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपना सब चीज़ जरा के और 2 रुपये ना कमाए। आजकल के जीवन में तो केहू ना केहू कहीं ना कहीं 2 रुपये कमाता है, तो वो लोग सपोर्ट करें ताकि हमने भी 2 रुपये कमा सके सर। चलिए ठीक बा।